महिला द्वारा यहाँ पर पलट दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत से महिलाओं में डर पैदा होता है कि पलट देने से हमारी शरीर कमज़ोर होगी, तमाम तरह के विचार मन में आते रहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इनके द्वारा पलट दिया जा रहा है, और ये आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर 100 ml पलट हो चुका है, तो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये कि नहीं, यहाँ सामने और भी ब्लड दे रही हैं, एक और भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन उनके द्वारा भी ब्लड दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है, इनके द्वारा भी 50 ml रहा है। तो यहाँ पर देखिए 200 ml के आसपास पहुँचने वाला है। यहाँ पर देखिए ये ब्लड आपके द्वारा ही ब्लड किया जा रहा है, ये आपके द्वारा भी 100 ml पहुँचने वाला ब्लड। आप लोग स्टाफ हैं या ब्लड डोनर? अच्छा, आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम संतोष पड़वर है, मैं एक केम हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ करके काम करता हूँ। आज दादर स्टेशन पे हमारा ब्लड कैंप चल रहा है। हमारे यहाँ पे केम हॉस्पिटल में हर दिन 250 से 300 ब्लड की जरूरत पड़ती है, बैग की जरूरत पड़ती है, पेशेंट रहते हैं, खाने से भी पेशेंट रहते हैं। और हमारी सब टीम है, हमारे प्रकाश सर आए, प्रांजल मैडम है, मंगल मैडम है, और हमारे सब सरकारी समीर है, प्रशांत है, सब सहयोग से हैं यहाँ पे ब्लड कैंप चालू है। और यहाँ पर सभी के सहयोग से कैंप चल रहा है, सभी के सहयोग से जो यात्रीगण आते हैं उनके सहयोग से आज हमारे यहाँ पे अच्छा और पूरा सहयोग से ही चालू है। अभी तक कितने लोग ब्लड दे चुके हैं? अभी तक यहाँ पे 30 bottle हो गया है। अच्छा, 30 bottle उधर 19 बताए हैं सर? नहीं, यहाँ पे 30 ही है, 30 बताए, 30 हो गया। अच्छा, इसमें कितने महिलाएं आ चुकी हैं? कितने इनमें से 10 महिला ही आई है। अरे वाह, बहुत अच्छा, महिला का भी सहयोग ज़्यादा है आज के ज़माने में, महिला का भी सहयोग रहता है हमारे यहाँ पे। और ये दादर रेलवे स्टेशन पे तो सब यात्रीगण का तो सहयोग रहता ही रहता है। अच्छा, 100% सहयोग रहता है। अच्छा, ये कैंप पूरे महीने चलता रहता है या कभी कभी लगा? कभी यानी 15 दिन के बाद में एक दिन रहता है। अच्छा, एक दिन रहता है। अभी आप लोग शाम तक उम्मीद कितना है कि हो जाएगा? शाम तक तो 200-300 तक जाता है। अच्छा, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको आपके द्वारा क्या दिया जाता है? जो ब्लड डोनर है उनके लिए हमारे कैंप के हॉस्पिटल की तरफ से है फ्रूटी और जो कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है। कोई प्रमाण पत्र एक सर्टिफिकेट दिया जाता है डोनर का, उसके साथ में डोनर कार्ड दिया जाता है। ये यहाँ पर देखिए 6 जन इस समय ब्लड लेटे हुए हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ लोग लगे हैं, और यहाँ पर स्टाफ अपना योगदान दे रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बैनर लगाया गया है, ये बैनर है यहाँ पर, ये देखिए सर, जेंट्स का कपल लेते ही फोटो, दोनों महिलाओं का फोटो लेने आ रहा है। अभी आपने ब्लड डोनेट किया है, आपका नाम क्या पड़ेगा? पूजा। तो आपको कहीं किसी तरह का घबराहट या डर तो नहीं लगा ब्लड डोनेट? नहीं, मैं हमेशा करती हूँ। अच्छा, हमेशा करती हैं? कितनी बार अभी तक दे चुकी हैं? साल में कम से कम दो बार तो करती हूँ। दो बार करती हो? अच्छा, कभी किसी तरह का घबराहट या डर? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, कॉलेज से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, हाउसवाइफ। अच्छा, ये ब्लड डोनेट होने कैसे दिमाग में विचार आया? बहुत से महिलाएं डरती हैं। नहीं, मैं यहाँ से जब नॉर्मली मैं कहीं भी डोनेट करती हूँ ना, तो ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे किधर रहता है ना क्या, उधर डोनेट करती हूँ। हाँ, जो आते जाते मेरे को मिल जाए। लेकिन ये कैसे ख्याल आया कि डोनेट किया जाए ब्लड? मैं
मैं हमेशा करती हूँ डोनेट, ऐसे कुछ नहीं है कुछ कॉलेज से नहीं नहीं, हम लोग कॉलेज से मतलब हमारा ग्रुप था कॉलेज में, तब से हम लोग मतलब 6 महीने में एक बार करते ही है डोनेट। अच्छा अच्छा, तो आपके साथ में और कोई आए हैं? नहीं मैं अकेली, फिलहाल तो मैं अकेली हूँ, लेकिन हमारा पूरा ग्रुप वैसा है, नहीं पूरा कॉलेज का ग्रुप वैसा है, 6 महीने बाद किधर भी ऐसे दावा चलते किधर भी जाता है। अच्छा, कितने सालों से आप ब्लड देती आ रही हैं? लगभग कुछ अंदाजा हो रहा है कुछ 20-22 साल, 20-22 साल से, यानी 20 साल ही पकड़ा जाए तो आप 40 बार डोनेट कर चुके हैं। उससे भी ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। बहुत 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 अच्छा कार्य, बहुत अच्छा है। आप कहाँ रहती हैं? डोंबिवली। क्या आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप दोनों लोगों द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है यहाँ पर, और भी स्टाफ हैं यहाँ पर, देखिए सब अपने काम में लगे हुए हैं। जी मैडम, मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। आज यहाँ पर पीएम हॉस्पिटल के द्वारा कैंप लगाया गया, इसमें आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? और नमस्कार, मेरा नाम कविता ससाने है, मैं केएम हॉस्पिटल में समुपदेशक मतलब काउंसिलर इसके पद के ऊपर हूँ। आज यहाँ पे दादर रेलवे स्टेशन पे ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यहाँ पे केएम अस्पताल ये सबसे बड़ा अस्पताल है, ये आप सभी को ही पता होगा, तो केएम हॉस्पिटल की रोज़ की रिक्वायरमेंट 200 है, तो 200 लोग तो डोनेशन करने के लिए नहीं आते हैं, पर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अप्रैल में जो शॉर्टेज पीरियड है वो पीरियड में हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हर रक्तदाता, हर घर का रक्तदाता डोनेशन करें और डोनेशन करके किसी की जान बचाए, क्योंकि थैलेसीमिया, सिकल सेल, कैंसर पेशेंट, ऐसी बहुत सी पेशेंट, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसके वजह से ब्लड डोनेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप डोनेशन करते हैं तो आप किसी की जान बचा सकते हैं, और सभी से मेरा निवेदन है कि आइए और रक्तदान कीजिए।